जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ स्टेप की ऑरेंज स्मोक फोटो एडिटिंग। अगर आप भी अपनी फोटो को कुछ स्टेप से एडिट करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, जब भी आप लोग अच्छे से एडिटिंग कर पाओगे। तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि यार मतलब ये जो एडिटिंग है ना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लोगे ना तो आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे इसलिए अभी थोड़ा सा मतलब छोटा सा वीडियो देख सकते हो आप लोग। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि यार भाई लाइक कर दो यार चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो बहुत मतलब अच्छा लगता है यार, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है ना, तो और भी मतलब मोटिवेट होता हूँ। तो यार उसके बाद यार इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना भाई, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों को अपडेट मिलते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में। तो सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसे पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करके आप लोग को यहाँ पे रिसाइज कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो मतलब हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, ये तो आप लोग करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज बता देता हूँ आप लोगों को, 2408 कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे जाना अपने ऐड फोटो में सिंपल। और ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे जाना है अपने जो मॉडल है मतलब आप लोग की जो PNG होगी उसे आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर लेना। बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन अगर आप लोगों को नहीं बनते तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को बन ही जाता होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो उसके बाद कुछ स्टेप से आप लोगों को कर लेना है अपने मॉडल को ऐड यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप लोगों को रेजर में जाना है, रेजर में जाने के बाद कुछ स्टेप से आप लोगों को साइज कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मतलब साइड साइड में ऐसे रेस कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा आप लोग, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो रेस कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है डन। और उसके डन करने के बाद क्या करना है आप लोग बता देता हूँ मैं। यहाँ पे डन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जाना फिर से अपने ऐड फोटो में, एक PNG मिल जाएगी, ठीक है। तो उससे आप लोगों को सिंपल ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे PNG पहले तो ढूंढ लेता हूँ मैं। तो ये रही हमारी PNG, इसे आप लोगों को कर लेना है ऐड। और ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इसका ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। सिंपल, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसे कैसे आप लोगों को ऐड करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक ही PNG बस नहीं लगाना है, इसको आप लोगों को डबल कर लेना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे ऊपर के साइड में लगाता हूँ मैं, इसके बाद यहाँ पे इसे कर लेता हूँ डबल, ठीक है। और डबल करने के बाद देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है ये, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को कर लेना है, ओके। तो ये हो चुका है हमारा काम, डन कर लेना है आप लोगों को सिंपल। और आज मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे काम नहीं है हमारे पिक्सआर्ट ऐप में, सिंपल आप लोग को अपनी फोटो को यहाँ पे ड्रॉटून में जाकर सेव कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हम लोग सेव कर लेते हैं। तो देख सकते हो यार मतलब कुछ भी ग्लिच आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हो कुछ मतलब आइकन ही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। सेव भी मेरे को मतलब अंदाजा से यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, मतलब सेव करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर भी ठीक है, चलो जाने दो, आप लोग को समझ गए होगी कि सेव कर लेना आप लोग को फोटो, ठीक है। तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, फिर बाद में फिर आप लोग को स्नैपचैट ऐप में चले आना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चले आते हैं अपनी स्नैपचैट ऐप में। और आप लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक का भी मतलब ऑटोडेस्क स्केचबुक कह रहा हूँ मतलब अपना लाइट रूम का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपनी फोटो को यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे यार ये जो फोटो है हमारी आई नहीं है, क्या पता, चलो ठीक है यार एक बार और सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार और अंदाजा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव हो रही है हमारी फोटो, और ये हो चुकी होगी अब तो मेरे को मतलब गारंटी से मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुकी है सेव हमारी फोटो, तो ये इसको ओपन कर लेना है आप लोग। उसके बाद यहाँ पे जाना अपने पेंसिल के आइकन में मतलब टूल्स में आना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को सिलेक्टिव टूल ले लेना है, और उसके बाद अपने फेस में अप्लाई करना है। यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपने हैंड्स में यहाँ पे कर लेना है, ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़े से और मतलब कर लिया मैंने, उसके बाद आप लोग को अपने अकॉर्डिंग मतलब एडजस्टमेंट करते जाना, जैसे कि यहाँ पे मैं लेंस ब्लर में जाता हूँ, तो लेंस ब्लर को आप लोग को अप्लाई कर लेना है कुछ स्टेप से। और करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है डन। और डन करने के बाद फिर से अपने जो टूल्स है उसमें जाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो टून इमेज है ना उसमें क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है, अपनी फोटो के अकॉर्डिंग कर लेते जाइएगा आप लोग, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन जो भी है, ठीक है, देखते जाइएगा और अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये मैं तो अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जाना है अपने फिर से अपने टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आप लोग को एक काम और कर लेना है, यहाँ पे जाना अपने ब्रश में, ठीक है। और ब्रश में जाने के बाद आप लोग को जो मतलब जो अपना डॉच है ना उसको बर्न कर लेना है, ठीक है, मतलब पूरा मतलब माइनस कर लेना है 10, ठीक है। इसके नीचे के साइड से आप लोग क्या है थोड़ा सा मतलब ब्लैक कर सकते हो, अगर आप लोग करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं करिएगा, ठीक है। तो मेरे को अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने कर लिया, ठीक है। तो सिंपल ऐसा मतलब कुछ आप लोग को एडजस्टमेंट करते जाना, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाई ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कॉन्ट्रास्ट का, आगे पीछे करके देख रहा हूँ फिर भी मतलब ऐसा देखते जाना आप लोग अपनी फोटो को, मतलब देखते जाइएगा और एनालाइज करके आप लोग देखते जाइएगा और अपनी फोटो को एडिट करते जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो, जो भी आप लोग अपनी फोटो एडिट करते हो, ठीक है। तो ऐसे देखते जाइएगा और उसके बाद एडिट कर लेना, और ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, सिंपल सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यार यहीं हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, तो जय हिंद।